ईश्वर का द्वार, धर्म का द्वार, मोक्ष द्वार संकीर्ण है, सूक्ष्म है। पशु पक्षी चार हिस्से, पन हिस्से, कोई वर्ग तो वर्ग, वड्डे जानवर हाथी गौ इत्यादि साढ़े देश के ऋषि मुनि मनते हैं। ज्यादा जागे हुए हैं छे सत अमूमन पंच हिस्से। मनुख वर्ग तो वर्ग अठ फीसदी नौ फीसदी जागे, जिन्हों असी दार्शनिक चिंतक फिलोसफर साइंटिस्ट कहते हैं, कलाकार कहते हैं, वो वध तो वध 13-14 फीसद जाते, बाकी
सब सुपर जीवन दिया बेशतर शक्तियां सुतिया सुते की दुनिया च अंधेरा होता है सुते सिर्फ सुपने देखे जा सकते हैं हमारा कुछ भी और सुपने दो तरह के एक निंद्रा दे एक जागृत अवस्था जिसनों कहते हैं मनुख जिथे बैठे कल्पनावान बैठे कल्पना जागृत अवस्था के सुपने ने सुपने निंद्रा अवस्था की कल्पना इसमें स्थान निंद्रा अवस्था की कल्पना है कि सुपने जागृत अवस्था के सुपने ने कि कल्पना मनुख या तो कल्पनावान बच है या सुपने सारी जिंदगी इस तरह बतीत होती है घर बैठा है परिवार बैठा है बाजार बैठा है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे च बैठा या सुपने च बैठा या कल्पना जिसका हकीकत नाल यथार्थ नाल कोई संबंध नहीं कोई संबंध बैठा ऐसिया कल्पनावान जिन्हों का वास्तविक जिंदगी नाल कोई मतलब नहीं है देख रहे हैं ऐसे सुपने जिन्हों का जिंदगी नाल कोई मतलब नहीं है जागृत अवस्था दिया कल्पनावान कुछ सुखद ने कुछ दुख सुपने भी कुछ दुख भरे ने कुछ सुख भरे निंद्रा देख है मन सुता होया चुके सुता होया तो अंधेरे नींद करके अंधेरा इस वास्ते गुरबाणी यह कहती है असी ईश्वर नूं गवाया नहीं गवा नहीं सकते बुलाया है बुला सकते बुलाया क्यों है निंद्रा अचे अभी जाती इस तरह गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का प्रमाण है मनुख की चेतना का बेशतर हिस्सा सुता होया एक गल वखरी है सुता होया अचेत कभी कबूल नहीं करता कि मैं सुता होया मैं अचेत नहीं कबूल किस तरह करे अचेत किस तरह अपना अचेतपना कबूल करेगा जिस दिन कभी सुचेत होगा तो पता चलेगा जिंदगी इतनी अचेत बीच बती है असी ईश्वर नूं गवाया नहीं गवा नहीं सकते सब कुछ ईश्वर के इच्छा है बुलाया है बुला सकते भुलिया क्यों है निंद्रा विच वाहेगुरु वाहेगुरु का जप वाहेगुरु नूं सुनाण वास्ते नहीं अपने आप को जगाण वास्ते सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सोया मन जागा मैं कुछ बुनियादी विचार आप जी के सामने रख रहे हैं गुरु घर के शब्द को गुरु क्यों कहा गया शब्द आवाज ऐसी आवाज जिसके अल्फाज भी है ऐसी धुन जिसके अखर भी है मैं राग गुरु नानक फाउंडेशन गुरुद्वारे इस विषय उत्ते कुछ बोल रहे सन बनस्पति को ना आवाज है ना अल्फाज है ना धुन है ना अखर है फिर पंछियों की दुनिया पशुओं की दुनिया आवाज से है अल्फाज कोई नहीं धुन से है अखर कोई नहीं सारा ज्ञान ध्यान खड़े है आवाज से अल्फाज से अगर अखर नहीं तो सारा ज्ञान खो जाए आवाज तो इतना पता चल जाए किसकी आवाज इतना ही पता चल ये गऊ है क्योंकि आवाज को पता चल गया ये शेर है क्योंकि आवाज को पता चल गया ये कौआ है क्योंकि आवाज को पता चल गया कोयल है क्योंकि आवाज को पता चल गया ये कुत्ता है आवाज को पता चल गया
और एक बुद्धा किसका है, रेंगा देखते हैं, मालूम है किसका कौन है, एक बुद्धा दर्शक है, आवाज है, अल्फाज नहीं है, धुन है, अक्षर नहीं है। सारा ज्ञान ज्ञान के अखरा से खड़ा, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत बनगा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा से संजोग साड़ी सारी खेती अखर से खड़ा हो जाए, सरबंध के बोल न जुड़ जाए। बोलन हार परम गुर ए, कुछ ऐसा बोल रहा है बोलिए जगत न संबंध जुड़ देने, कुछ ऐसा बोलना है बोलिए परमात्मा नाम संबंध जो अकाल पुरख नाम संबंध जो जिन्हों बोलना बोल बोल के संसार नाल संबंध जुड़ते हैं उन्होंने कहने शब्द, और जिन्हों बोलना बोल बोल के निरंकार नाल संबंध जुड़ते हैं उन्होंने कहने गुर शब्द। गुर शब्द इस सिरमौर शब्द है, और इस तरह किधरे नाल है लड़ा, गुरु कोई और है तो शब्द कोई और है नहीं, शब्द गुरु है, गुरु शब्द इस तरह है। शब्द गुरु तेरा जहर का बेरा, बिन शब्द जग बौरा। थोड़ी जी विचार मैं दोहरा दें ताकि शब्द की महिमा का पता चले। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने जमीन आसमान नहीं सी, सूरज चंद तारे नहीं सन, ये वनस्पति पशु पक्षी मनुख नहीं सन, कुछ भी नहीं सी, अंधेरा ही अंधेरा सी। अनंत काल तक कितने लंबे समय तक अंधेरा सी महाराज कहने नापण का कोई वसीला ही नहीं, क्योंकि समय को नापण का वसीला होता है दिन ते रात, दिन रात नहीं सी, नहीं सी। बोल मैं खड़ सामे रखा गुरु नानक दे अरबद नरबद तुंदूकारा, धर्म न गगना हुक्म अकारा, ना दिन रैन चंद न सूरज सुनने सुन रहा है। महाराज कहते जमीन नहीं सी, आसमान नहीं सी, सूरज नहीं सी, चंद्रमा नहीं सी, दिन नहीं सी, रात नहीं सी, सनाटा सी, अंधेरा सी, कुछ नहीं सी, अंधेरा सी। तो कितने समय तक अंधेरा रहा महाराज कहने ने कल्पना ही करके आख्या जा सकता है, अरबा खरबा साल, क्योंकि साल महीने को नापण वास्ते दिन रात चाहिए सी, तो है नापण का वसीला नहीं सी। उसे ही अंधेरे विच एक शब्द होया, एक तमाका होया, उसे ही अंधेरे विच एक दिन, बस उस शब्द नाल दिन होया, उस शब्द नाल चाहता अंधेरे विच तमाका होया। विज्ञान की कहना है, साइंस की कहते कह रही है, तो साइंटिस्ट जानन तो उसी जान, गुरु जो कुछ कह रहे हैं मैं तुम्हें सरवण कर, गुरबाणी जो कह रही है वो मैं थानू सरवण करा रहे हैं। विज्ञान दियां बेशकर धारावां अक्सर बदलदियां रहिंदियां, रब्बी नियम अटल ने, महापुरशां दे वाक अटल ने, बचन अटल ने। अनंत काल तक अंधेरा रहा, उसे अंधेरे एक शब्द होया, उस शब्द की सी ये भी दस के फिर मैं अगे चला। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहने का शब्द से ओंकार, ओंकार आव कथनी अना, अनादि कथनी केड़ी है, ब्रह्मंड का पहला बोल केड़ा है, ओंकार। गुरु नानक देव जी महाराज कहने यही एक शब्द है, एक ओंकार जो ब्रह्मंड का पहला बोल है, पहला बात ओंकार ब्रह्मा उद्भव, ओंकार क्रिया जन से, ओंकार सैव जगवै, ओंकार वेद निर्मय। पूरे लंबे चौड़े शब्द ओंकार की महिमा दसी जाते हैं गुरु नानक, और फिर इस बाणी का सिरलेख भी रख दिता, कपड़ी ओंकार।